अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद जिया नाज। खाओ पियो जिंदगी जियो। उम्मीद करती हूँ मेरी YouTube फैमिली साथ खैरियत से होगी। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता अपने घरों में इसी तरह आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। जी आज आप देख रहे हैं क्या है, आज मैं बना रही हूँ सुपर डुपर चॉकलेट केक। इसकी इससे पहले भी मैं आपको चॉकलेट केक जो है बनाना सिखा चुकी हूँ। तो ये स्पंज आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा और सॉफ्ट बना है। तो मैंने कहा चले स्पंज बनाना तो मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ, आज जो मैं सुपर डुपर जो चॉकलेट केक बना रही हूँ वो मैं बताऊँ मैं आपको कि मैं किस तरह इसको रिपेयरिंग करूँगी। तो यहाँ मैंने ले ली है चॉकलेट, और चॉकलेट मैंने 100 ग्राम चॉकलेट ली थी, इसके अंदर 50 ग्राम मैंने क्रीम डाली, उसको मेल्ट कर लिया। तो ये चॉकलेट जो है मैं इस पर पोर करूँगी पूरी। ये जो चॉकलेट क्रीम मैंने रखी है ये मैं इसमें डाल दूँगी पूरी, और ये बड़े मज़े का एक चॉकलेट सुपर डुपर केक हो जाएगा। अच्छा थोड़ी सी चॉकलेट मैं रोकूंगी और इसके बाद इसको मैं फैलाऊंगी। ये देखें इस तरह से मैं इसको अच्छी तरीके से फैला लूंगी, फैलानी इतनी है कि ये नीचे तक जाए चॉकलेट। अब मैंने क्या करना है, इसके किनारों पे डालनी है ताकि चॉकलेट जो है हमारी नीचे तक जाए। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने चॉकलेट कितनी थिक बनाई है। और इसमें ये नीचे रखने का ये मकसद है जितनी भी हमारी चॉकलेट होगी वो ज़ाया नहीं होगी, तो इसलिए ये मैंने नीचे रखा है। और इसको मैं नाइफ से बिल्कुल प्लेन कर लूँगी और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, वो बिल्कुल सेट हो जाए। उसके बाद जो हमें इसके साथ करना होगा वो हम करेंगे, या मैं अभी कर लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सिर्फ आपको दिखाना था कि देखें आप कितना इजी केक भी बना सकते हैं सुपर डुपर चॉकलेट केक। अच्छा जी ये देखें ये चॉकलेट है, यहाँ मैंने चॉकलेट इस तरह से ले ली थी, लेकिन मैंने क्या करना है, ये जो चॉकलेट है ये मेरी चॉकलेट बच चुकी है, तो ये चॉकलेट भी मैं इस पर पोर कर लूँगी ताकि हमारा जो है सुपर डुपर चॉकलेट केक बड़ा यमी सा बने, चॉकलेट की जो लेयर है वो बड़े मज़े की बने। ये देखिए ठीक है जी। अच्छा जी अब मुझे क्या करना है, ये देखिए बड़े मज़े का यमी सा केक बना है। तो इस तरह से मैं जो अपनी चॉकलेट है इस पर पोर कर दूँगी पूरी चॉकलेट, इतना सुपर डुपर चॉकलेट केक है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये देखें अच्छा हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट जो है इसकी साइडों में भी लगा देंगे यूं करके, और टेंशन ना लें नीचे गिर रही तो गिरने दें, क्योंकि नीचे हमने पहले ही ऑलरेडी एक बर्तन रखा हुआ है तो हमारी चॉकलेट ज़ाया कुछ भी नहीं होगी जी। तो हमने यूं करके लगा देना है, और ये बड़े मज़े का केक बना था। ये देखिए हमने सारी चॉकलेट अपनी डाल दी है, क्योंकि ये सुपर डुपर चॉकलेट केक है तो यमी सा तो होना चाहिए। तो यहाँ हमने सारी चॉकलेट स्प्रिंग कर दी है, और इसको हम रख देंगे तकरीबन सेट होने के लिए फ्रीज़र में। ये सुपर डुपर केक तैयार है, तो मैंने कहा मैं आपको कटिंग करके दिखा दूँ कि ये कैसा बना है, और ये बड़ा यमी सा और सॉफ्ट सा बना है। और ये फुल चॉकलेट केक बना है, तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है और कितना यमी सा है। तो हमारा ये केक तो रेडी हो गया, हम तो जा रहे हैं इसको खाने। और अगर आप लोगों को भी खाना है तो जल्दी से जाइए सुपर डुपर केक बनाइए और इंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।